नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में मौसम अब तेजी से बदलने वाला है। अभी से ही लोगों को गर्मी और सर्दी का एहसास होने लगा है, जिसके तहत लोगों को सुबह में ठंड तो रात में गर्मी का एहसास हो रहा है। रात के वक्त लोग अब बिना चादर और बिना पंखे के शायद ही सो सके। ऐसे में मौसम विभाग ने बिहार वासियों के लिए बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी हवा का प्रवाह कम हो रहा है और पश्चिमी हवा के असर से ठंड का एहसास हो रहा है, जिससे कि आने वाले 7 दिनों में बिहार में गुलाबी ठंड का एहसास होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों ने बुजुर्गों से लेकर बच्चों को सेहत पर खास ध्यान देने की अपील की है। बिहार के कई जिलों में फिलहाल आलम कुछ यूं है कि हवाएं काफी ठंड बह रही है। मौसम विभाग की माने तो अब पश्चिमी हवा का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बिहार में बारिश का सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है, जिसके कारण अब पश्चिम हवा का प्रवाह दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी में भी सक्रिय चक्रवाती हवा का प्रवाह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बिहार में मौसम पूरी तरह से ड्राई हो गया है और अब धीरे धीरे पश्चिमी हवा का प्रवाह भी बढ़ने लगेगा। हालांकि अब मौसम में बदलाव की उम्मीद है, जो कि नवंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिलने लगेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बर्फबारी की वजह से पछुआ हवा की रफ्तार में तेजी आ सकती है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 2 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है। इस दौरान गर्मी और देर रात से सुबह तक सर्दी का एहसास होता रहेगा। इसके साथ ही शहर के बाहरी क्षेत्र में गंगा के तटीय क्षेत्रों में सुबह अब ठंड का एहसास हो रहा है और कई इलाकों में धुंध भी देखा जा रहा है। हालांकि ये मौसम जितना लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है, उतना ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे मौसम में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टरों की माने तो ठंड और गर्म के कॉम्बिनेशन से सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों के बीमार रहने की संभावना रहती है। इसीलिए जरूरी है कि ऐसे मौसम में बचाव किया जाए। ऐसे मौसम में सांस के रोगियों को भी समस्या हो सकती है। सर्दी बुखार के साथ डायरिया भी होने की संभावना है। ऐसे में कपड़ों का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है। खान पान पर ख्याल रखा जाए। वहीं बीते कई दिनों से बिहार के कई जिलों में हुई बेमौसम बरसात ने लोगों की परेशानी तो बढ़ाई रखी है, जिससे सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं, क्योंकि किसानों की फसल इस बेमौसम बरसात के कारण खराब हुई है। वहीं नेपाल के आसपास के इलाकों में हुई बारिश के कारण बिहार की कई नदियां एक बार फिर से लाल निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण एक बार फिर से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। लेकिन अब बारिश के आसार कम है, ऐसे में इन इलाकों में राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।